तो देखो मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो देखो संसार में रहने वाला प्रत्येक जीव माया के वशीभूत होकर के वो संसार के ही हाथों में है। लेकिन चूंकि संसार जिसने बनाया है तो संसार उसके हाथ में है, तो हम अपने जीवन को भगवान को यदि सौंप देंगे, भगवान के हाथों में भगवान को थमा देंगे, तो निश्चित ही जीवन में आनंद होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। ये उस समय की बात है, द्वापर के अंत में भगवान के ही कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी सारे संसार के कल्याणार्थ अनेकों धार्मिक ग्रंथों की रचना कर रहे थे कि कोई इन्हें पढ़े, कोई इनका पाठ करे, कोई इन्हें सुने तो उसका कल्याण हो। अब देखो माता पिता सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही तो करते हैं, और बच्चे बड़े होने के बाद यदि दुखी करें तो कितना कष्ट होता है कि इस बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा और अच्छी से अच्छी परवरिश देने के लिए हमने कई बार न जाने क्या क्या ऐसे कर्म भी किए जो हमें नहीं करने चाहिए थे। किसके लिए? बच्चे के। और आज ये 25 वर्ष का हो गया, 30 वर्ष का हो गया, तो हमें तो ये निकम्मा समझ रहा है, बेकार समझ रहा है, और कई बार तो गुस्से में कह भी देता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, क्या किया न तो 2-4 करोड़ की कोठी बना के दी, न 25-50 लाख की कोई गाड़ी लेके दी, ना ही मेरे पास कोई बैंक बैलेंस है, क्या किया है आपने? तो जो सवाल आप अपने पिता से कर रहे हैं या अपनी माता से कर रहे हैं, जब आप पिता बनेंगे ना तब तुम्हें इस बात का भली भांति अनुभव हो जाएगा कि तुमने अपने बच्चे के लिए क्या किया है। और जब वो तुमसे कहेगा ना कि पिताजी आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तो तुम्हारी अंतर आत्मा में कितनी पीड़ा होगी, कितना कष्ट होगा, तब जाकर के तुम्हें अनुभव होगा। तो महर्षि वेदव्यास जी ने अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया संसार के कल्याणार्थ, लेकिन फिर भी हमारे जैसे संसारी मूर्ख न कोई पढ़ रहा है, न कोई सुन रहा है, न कोई पाठ कर रहा है। तो बड़े दुखी हुए कि हमने अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी ये हमारी संतान, हमारी औलाद, ये सब निकम्मी है, काम के नहीं। बड़े दुखी हुए, रोने लगे, लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, उम्र तो निकल गई, अब करें तो करें क्या। भगवान का भक्त जब रुदन करता है, रोता है, तो भगवान कृपा करते हैं। भगवान ने कृपा करी, श्री नारद जी का आगमन हो गया, और श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे व्यास जी महाराज, आप कैसे बालकों की तरह रो रहे हैं, क्या कारण है, क्या परेशानी है भाई, क्या दुख है? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यत शरीर आत्मा मानस एव वा पराशस्यापत्यम पुमान
पारासर, माने पारासर ऋषि जी की संतति में उत्पन्न होने के कारण पराशर नंदन महर्षि वेदव्यास जी। हे पाराशर्य महाभाग, क्यों रुदन कर रहे हो, क्या कारण है? तो महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी वेदना बताई। तो श्री नारद जी ने कहा कि लो, ये कौन सी बड़ी बात, अरे काय का दुख, काय का कष्ट, काय की वेदना, कैसा भी रोग हो यदि आपके पास दवाई है तो दवाई लो, रोग भाग जाता। अरे महाराज, अब हमारी उम्र कहां रह गई है? तो श्री नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को सांत्वना दी, समझाया, महाराज आपने इतने ग्रंथों की रचना की, हमारे कहने से एक और कर दीजिए, जिसमें केवल भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाओं का गान करना है, फिर देखिए आपके जीवन में कितना आनंद होगा। तो देखो, वो ग्रंथ कोई और नहीं, वो ग्रंथ ही श्रीमद् भागवत है। जिस श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद महर्षि वेदव्यास जी का असंतोष संतोष में बदल गया। जब सृष्टि का उदय हुआ, भगवान ने सृष्टि करी तो ब्रह्मा जी को कमान दे दी। अब इतनी बड़ी दुनिया को संभालना कोई हांसी खेल है क्या? घर में चार छह सदस्यों को तो संभाला नहीं जाता, और चार छह तो छोड़ो, पति से अपनी पत्नी नहीं संभाली जाती और पत्नी से अपने बच्चे नहीं संभाले जाते, हम लोग अपने आप को नहीं संभाल सकते, सारी दुनिया को क्या संभालेंगे। तो ब्रह्मा जी बड़े परेशान हुए, बोले ये सारी दुनिया में तो न जाने कितने प्रकार के सब जीव हैं, सबके मन की वृत्ति, सबका चाल चलन सब अलग है, हमारे बस की बात नहीं है। भगवान के सामने जाकर के अपने दंड कमंडल पटक दिए, बोले महाराज हमारो इस्तीफा स्वीकार कर लो, हम जा रहे हैं भजन करने, हमें नहीं चाहिए मेहनती या हमें नहीं चाहिए व्यवस्थापक। तो भगवान ने कहा बेटा ब्रह्मा बात क्या है? अरे महाराज, कौन धोताएं ते सांतक किच किच बाजी करेगा, चिक चिक करेगा, संसार में भांति भांति के लोग हैं, किस किस से जाकर के लड़ाई झगड़ा करूं? महाराज हमारे बस की बात नहीं है संसार को चलाना। तो भगवान ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, जिस दिन तुम इस भाव को अपने अंदर से निकाल दोगे ना कि मैं संसार को चला रहा हूं, फिर कोई दिक्कत होगी, सदा सर्वदा संसार चलता रहेगा और निमित्त मात्र आप संसार के संचालक बने रहो। लेकिन अभी तुम कह रहे हो कि मैं संसार नहीं चला सकता, मतलब तुम ऐसा मानते हो कि तुम संसार चला रहे हो। तब जाकर के ब्रह्मा जी की आंख खुली, ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, और फिर अहमेवास्मेवाग्रे नान्य यत् सदसत् परम पश्चादहम् यदे तच्च योग शिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम् यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूते सूच्यावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेसून तेस्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अनवयव्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान श्रीमन नारायण ने जब ब्रह्मा जी दुखी हुए तो चतुः श्लोकी भागवत प्रदान कर दी। लो बेटा, ये हमारा प्रसाद है,
इसे आप अपने जीवन में सदा सर्वदा रखना और ऐसा भाव कभी मत लाना कि मैं कर रहा हूं या मैं चला रहा हूं। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे जीवन में कभी असंतोष या दुख वापस आएगा ही नहीं। तो देखो वो दिन था कि आज का दिन है, आज तक ब्रह्मा जी भगवान के पास कभी मुंह लटका करके या शिकायत लेकर के गए नहीं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत रूपी प्रसाद ब्रह्मा जी को भगवान से मिल गया। एक बार नारद जी के जीवन में भी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो नारद जी भी अपने जीवन से हताश हो गए, दुखी होकर के पिता ब्रह्मा की शरण में गए और श्री नारद जी कहने लगे कि अब तो हमारा जीने का मन ही नहीं करता। तो पिता ब्रह्मा जी ने समझा करके वही चतुःश्लोकी भागवत का प्रसाद श्री नारद जी को प्रदान कर दिया। तो वो दिन था कि आज का दिन है, नारद जी के जीवन में भी कभी दुख लौट करके आया ही नहीं। क्यों? अब जैसे मान लो कि हमारे कमरे में झप अंधेरा है, झप अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब अंधेरा कोई वस्तु थोड़े ही है जो उसमें भरी हुई है जिसे निकालने के लिए 10-20 घंटे बाल्टी से उलीचना पड़ेगा या रस्सा डाल के खींचना पड़ेगा या कोई गाड़ी वाड़ी भर के निकालना पड़ेगा। यदि अंधेरे को मिटाना है तो केवल एक माचिस की तिल्ली से एक दीपक प्रज्वलित कर दो। जैसे ही दीपक प्रज्वलित होगा सारे कमरे का जो अंधकार आपको झपा झप दिखाई दे रहा था वो एक क्षण में सब गायब हो जाए। फिर आप देखोगे ये अंधेरा गया कहाँ, ये काली सी घटा गई कहाँ, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें, यहां तो चारों तरफ उजाला ही उजाला है। तो ज्ञान प्रदीप पुरा, ये श्रीमद् भागवत जो है ज्ञान प्रदीप है, श्रीमन नारायण स्वरूप ये दीपक है जो ब्रह्मा जी के पास आया, ब्रह्मा जी से नारद जी के पास आया और वही दीपक वही ज्ञान प्रदीप। जब व्यास जी को असंतोष हुआ तो श्री नारद जी ने व्यास जी को प्रदान कर दिया और उन्हीं चार श्लोकों से महर्षि वेदव्यास जी ने समाधि में बैठ करके जो जो भगवान ने उन्हें दिखाया या प्रेरणा की उन्हीं चार श्लोकों के 18,000 श्लोकों की रचना की, जिसमें अनेकों भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की, भक्तों की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं और फिर भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन। तो आज महर्षि वेदव्यास जी का जीवन भी धन्य हो गया। महर्षि वेदव्यास जी ने भी नारद जी का अभिवादन किया। श्री नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया कि देखो हम ऐसे ही नारद नहीं बन गए, हम भी कभी किसी दासी के पुत्र हुआ करते थे, नाम था रामदास। हमारी मां कथा सुनने के लिए जाया करती थी, हम भी उसकी गोद में बैठ करके संतों के मुखारविंद से कथा सुनते थे। कथा सुनते सुनते ऐसी लगन लगी भगवान से कि हमारा भी मन होने लगा कि हमें शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना, संसार के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो इन बाबा जीयों का चेला बन के संत बनना है, साधु बनना है, भजन करना है। लेकिन चूंकि हम अपनी माँ के इकलौते लाडले पुत्र थे, पिता का हाथ हमारे सिर से जन्म से पहले ही उठ गया था। अब इकलौती मां का केवल में अकेला ही दीपक था। तो जब भी मैं साधु बनने की बात करूं, वैराग्य की बात करूं, तो मैया
वैसे तो सारे काम करती थी, चार चार छह छह घंटे कथा सुनना, घर में बैठ करके भजन करना, मुझे भी सेवा में लगाना, मुझे भी संतों के पास ले जाना, कथा में ले जाना। लेकिन जब मैं कहूं कि मैया मेरो तो मन ऐसो कर रहे हो है कि मुझे तो तू बाबा बना दे, तो मैया एक देती खींच के चट करके आयो बड़ो बाबा जी बनेगो। अरे तो का तो मैं बड़ी सुंदर सी बहू लेकर के आऊंगी, तेरे तो कम से कम चार बाल गोपाल होंगे, मैंने भी बड़े बड़े सपने देख रखे लाला, सब पूरे होंगे। तो देखो वैसे तो हम न जाने क्या क्या नाटकबाजी करते हैं, लेकिन असली बात जब सामने आती है तो फिर पीछे हट जाते हैं। भाई भजन ही तो करना है। अब मान लो नारद जी वो बालक रामदास माँ के साथ रह करके भी सेवा कर रहा है, भजन कर रहा है, और यदि बाबा बन के ज्यादा भजन कर ले तो कौन सी आपत्ति। तो मैया नहीं मानी, मैया ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो नारद जी ने सोचा कि ये मैया जब तक रहेगी, जब तक हम बाबा नहीं बन सकते, ठीक से साधना नहीं कर सकते, तो भगवान का ध्यान लगा करके मन में ऐसा संकल्प किया, मन में कामना की कि हे प्रभु हमारी मैया को जल्दी आप बुला लो, उठा लो, तो फिर हमारा रास्ता साफ हो जाए। हालांकि ऐसी कामना कभी नहीं करनी चाहिए अपनी माँ के लिए, क्योंकि माँ का ऋण ऐसा ऋण है, पितृ ऋण से बालक संतान उत्पन्न करके उऋण हो सकता है, ऋषि ऋण से कथा सुन के कथा करके उऋण हो सकता है, देवताओं के ऋण से भी यज्ञ करके हवन करके किसी को भोजन करा के भंडारा करके उऋण हो सकता है, लेकिन माँ जिस बालक को जन्म देती है उसका उसके ऊपर इतना ऋण होता है कि वो कितने भी जन्म ले ले उसके ऋण से वो कभी उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि बालक को जन्म देते समय और गर्भ में लेकर के 9 महीने रखने तक वो कितना कष्ट पाती है, कितना क्या क्या बर्दाश्त करती है और कैसे उसे इस संसार में लाती है ये वही जानती है। और फिर कैसे उसकी परवरिश करती है। अब रात्रि में माँ बालक को लेकर के सो रही है, बालक ने कर दी, अब वो तो अबोध है करेगी, सर्दी का समय है तो देखो वो माँ ही होती है, पिता के अंदर इतनी श्रद्धा नहीं होती बालक के प्रति कि बालक ने यदि कर दी तो उसके करे कराए पे माँ सो जाती है और बालक को साफ सुथरी जगह में सूखी जगह में सुलाती है। तो ऐसी निष्ठा, ऐसा पालन पोषण, ऐसा ध्यान केवल माँ ही रख सकती है बच्चे का, वो माँ चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे अंदर से हो या पशु पक्षियों के अंदर से हो, कोई भी हो, तो माँ के प्रति कभी भी दुर्भावना नहीं आनी चाहिए। साधु सन्यासी के लिए भी कहा है कि यदि कोई सन्यास लेने के बाद अपनी माँ से मिलना चाहे तो उसका कोई पातक नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं, लेकिन सन्यास लेने के बाद यदि पिता से मिलता है, भाई से मिलता है, बहन से मिलता है या अन्य परिवारी जन से मिल करके और फिर से संलिप्तता बनाता है तो उसका दोष है, उसका पाप लगता है, लेकिन माँ से मिल सकता है, माँ के चरण छूने तक का विधान है सन्यासी के लिए भी। तो माँ तो माँ हो, लेकिन आज चूंकि नारद जी को फ्री होना है, भजन करना है, तो ऐसी भावना हो गई और
दैव योग से आज नारद जी की माँ गैया धो रही हैं, सुबह 4 बजे आकर के किसी सर्प ने डंक मार दिया और जय राम जी की हो गई, स्वर्ग सिधार गई। अब बालक रामदास फ्री हो गया, संतों के साथ लग गए और खूब भजन किया, इतना आनंद लिया जीवन का कि आज एक वट वृक्ष के नीचे जलाशय के किनारे बैठ करके साधना कर रहे हैं और अपने हृदय में भगवान की ऐसी दिव्य छटा के, ऐसी दिव्य झांकी के दर्शन कर रहे हैं और कामना भी ऐसी प्रकट कर रहे हैं कि ये झांकी, ये दर्शन मुझे हमेशा होता रहे, हमेशा मैं इनको अपने हृदय में बसाते हुए अपना जीवन व्यतीत करूं, ऐसा संबंध मेरा, अटूट रिश्ता भगवान के साथ में जुड़ जाए, ऐसी यारी बांके बिहारी रमण बिहारी से हो जाए कि फिर कभी टूटे ही नहीं, कभी टूटे ही तो कौन कौन भगवान के साथ में यारी दोस्ती रिश्ता संबंध जोड़ना चाहता है, जरा हाथ खड़ा करके बता। अच्छा, सब जोड़ना चाहते हैं तो चलो देखते हैं कौन कौन जोड़ता है। लागी तुम संग यारी, मेरे रमण बिहारी, लागी तुम संग छोटा छोटा सेना,
प्यारी मेरे बागे बिहारी
सखियां मिल गीत सुनावे, सब सखियां मिल गीत सुनावे, सब राधा के संग में रात रचावे, राधा के संग में रास रचावे, नाचे है रास बिहारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, बिहारी मेरे रमण बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, मेरे रमण बिहारी, मेरे रमण बिहारी, रमण तो देखो पूर्व वृतांत सुनाते हुए बालक रामदास ने बताया कि हम दासी पुत्र होते हुए भी भगवान की भक्ति करने से, भगवान का भजन करने से जब हमारा ये शरीर छूट गया और फिर भगवान श्रीमन नारायण के धाम की हमें प्राप्ति हुई, तो भगवान ने अनुग्रह करके, भगवान ने कृपा करके देव दत्त मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूष तम, ये जो वीणा देख रहे हो जिसमें ब्रह्म रूपी स्वर विभूषित हो रखा है, ये वीणा महाराज हमें साक्षात श्रीमन नारायण ने ही प्रदान किया है। तो सूत्र जाति में जन्म लेने के बाद बिना पिता के नितांत गरीब होने के बावजूद भी भगवान की भक्ति और भजन में वो सामर्थ्य है कि उसने हमें नारद बना दिया और आज श्रीमन नारायण 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 करते हुए सारी त्रिलोकी में भगवान के नाम का हम गुणगान करते हैं। तो मैं ऐसे ही नारद नहीं बना, मैंने भी पहले बड़ा भजन किया है, बड़ी भक्ति। तो महर्षि वेद व्यास जी को आनंद हुआ, श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, हे गुरुदेव हम ये जानना चाहते हैं कि संसार में भगवान सबसे पहले किसे मिलते। तो श्री सुखदेव जी मुस्कुराए और कहने लगे बेटा तू ही बता दे। तो बोले नाय गुरुदेव कथा तो आप कर रहे हैं, आप ही बताओ, हम कैसे बता दें, हम तो सुन रहे हैं। अरे नहीं, तेरे मन में क्या आ रही है तू अपने मन की बता, फिर हम तो शास्त्रीय प्रमाण युक्त बात करेंगे।
तो राजा परीक्षित का बड़ा सुंदर प्रश्न है, ये हमारा भी प्रश्न है कि भगवान संसार में किसे मिलते हैं। तो राजा ने अपने मन से विचार किया कि भगवान संसार में सबसे पहले उसे मिलते होंगे जो बढ़िया नहा धो करके पवित्र हो करके बढ़िया सफेद कुर्ता पजामा या बढ़िया सूट बूट पहन करके और बढ़िया सुर भुर उड़ा करके टंच बन के रहता होगा, उसे भगवान जल्दी मिलते होंगे। तो बोले और भगवान उसे मिलते होंगे जल्दी जो थोड़ा सा उम्र में कम से कम 25 से 30 वर्ष का समझदार तो होना चाहिए, थोड़ा सा 25 से 30 40 वर्ष की उम्र के बीच का हो उसे मिलते हो। बोले और भगवान संसार में जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, प्रोफेसर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर डिग्री डिप्लोमा वाले होते, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते उन्हें भगवान मिलते। बोले और भगवान जो बढ़िया खानदान में बढ़िया वर्ण में बढ़िया जाति में जन्म लेता हो, तो बढ़िया जाति बढ़िया वर्ण बढ़िया खानदान कौन है? ब्राह्मण। तो भगवान ब्राह्मण को मिलते हो। बोले और भगवान संसार में पहलवान को मिलते होंगे, बाहुबली को, जिसकी भुजाओं में बल होगा भगवान को बुलाने का, डर के मारे भगवान चले आएंगे। बोले बताओ भैया क्या बात है, क्यों बुलाए? बोले और भगवान संसार में उसे मिलते होंगे जो बढ़िया गोरा चिट्टा या बढ़िया मलूक होता होगा या होती होगी, बढ़िया सुंदर को भगवान मिलते होंगे। बोले और भगवान संसार में जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास धन दौलत वैभव होता है, साम्राज्य होता है, उनको भगवान मिलते हो। बोले और तो गुरुदेव अब आप ही बताओ, हमारी समझ में तो केवल इतना ही आ रहा है। तो बोले ठीक है, फिर हम भी बताए दे रहे। तो देखो राजन, तुमने अपनी मति के अनुसार जो भी कहा वो सब ठीक है, लेकिन व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जात विदुरस्य यादव पतेह उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाह किम तत्र रूपमधिकम किम तस्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। तुमने कहा कि भगवान बढ़िया साफ सुथरे बढ़िया कपड़े पहनने वाले को मिलते होंगे, तो ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो व्याधस्य जंगल में रहने वाला वो व्याध, जंगल में रहने वाला वो शिकारी जो 6-6 महीने नहाता ही नहीं है, पहनने के लिए उसके पास कपड़े ही नहीं है, जो शाकाहार नहीं मांस का भक्षण करता है, लेकिन फिर भी भगवान ने उसके ऊपर कृपा करी, बहेलिए ने, भगवान जब अपने स्वधाम गमन गए तो भगवान के पैर के तलवे में बहेलिए ने शिकार समझ करके तीर मार दिया था, और फिर भगवान ने उसके ऊपर बड़ी कृपा की, उसका कल्याण किया, उसके सिर पर हाथ फेरा। तो बहेलिया और वो भी भगवान का ऐसा अपराधी जिसने भगवान को ही बाण मार दिया, फिर भी भगवान उसे मिले, तो ऐसा नहीं।
और दूसरी बात तुमने कही कि 35 वर्ष 40 वर्ष का होता हो तो ऐसा भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो ध्रुवस्य च वयो, बालक ध्रुव की कितनी अवस्था है? केवल 4.5 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था तक भगवान की प्राप्ति हो गई। और रही तीसरी बात कि भगवान को पाने के लिए थोड़ा पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता है, तो विद्या गजेंद्रस्य का महाराज, ये हाथी, ये गजराज कौन सा पढ़ा लिखा था, कौन सा डॉक्टर था, कौन सा इंजीनियर था, कौन सी इसने पीएचडी कर रखी थी, कौन से विद्यालय या कौन से कॉलेज में ये गया था गजराज पढ़ने, लेकिन फिर भी भगवान की प्राप्ति गजराज को हुई। विद्या गजेंद्रस्य का कहाँ है? विद्या गजेंद्र के पास। और रही ऊंची जाति, अच्छा खानदान, अच्छे वर्ण की बात, तो का जात विदुरस्य यादव पते। अरे ये विदुर जी महाराज कौन से पंडित हैं, कौन से आचार्य हैं? ये विदुर जी महाराज दासी के पुत्र हैं। यदि सर्टिफिकेट देखो तो एससी में आते, शेड्यूल कास्ट में आते हैं, सूत्रों में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विदुर जी को जैसी भगवान की प्राप्ति हुई है, विदुर जी को जैसा भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ है, ऐसा प्रेम किसी को मिलना इतना आसान थोड़े है। तो का जात विदुरस्य यादव पते। और रही बाहुबली वाली बात, तो उग्रस्य किम पौरुषम्। उग्रसेन जी को कंस ने बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। भगवान ने कंस का जब उद्धार कर दिया तो सबसे पहले उग्रसेन जी के पास गए और जाकर के छाती से लगाया। तो उग्रसेन ने भगवान को पाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ या परिश्रम किया? कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी भगवान मिले। और रही बात महाराज सुंदरता की, तो कुब्जायाह किम तत्र रूप मधिकम किम तस्व दामनो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैः भक्ति प्रियो माधव। अरे ये त्रिवक्री कुब्जा, कंस की दासी सैरंध्री, ये कौन सी सुंदर है? कमर के अंदर 3 कुबड़ निकले हुए, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी है, कोई भी इसका मुंह तक देखना पसंद नहीं करता। ऐसी कुब्जा को भी भगवान की क्या अद्भुत प्राप्ति हुई। और न केवल प्राप्ति हुई, कुब्जा के हाथ से कन्हैया ने अपने माथे पर और अपने ग्वाल बालों के माथे पर चंदन का लेपन कराया। और कुब्जा को भी भगवान ने सुंदरी कहा और फिर यथार्थ में भी उसे परम सुंदरी बना दिया। और रही बात महाराज धनवान की, तो ये किंतस सुदामनो धनम, श्री सुदामा जी को जैसी भगवान की प्राप्ति हुई है, ऐसी प्राप्ति कोई इतनी आसान या इतनी सहज या इतनी सरल थोड़े ही है। किम तस्सुदामनो धनम, सुदामा जी का जीवन देखो तो आज रोटी दाल मिल गई कल मिलेगी कि ना है, जा बात क्यों, कोई गारंटी ना है। तो ऐसा जीवन होते हुए भी श्री सुदामा जी महाराज को भगवान की कैसी अद्भुत प्राप्ति हुई, कैसा अद्भुत प्रेम प्राप्त हुआ। तो हे राजन, तुमने जो कहा वो सब ठीक है, लेकिन भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान को खींच करके लाने वाली, भगवान की प्राप्ति कराने वाली भगवान की भक्ति है।
भगवान का प्रेम है, भगवान के प्रति भाव है, क्योंकि प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है। प्रेम से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो भगवान को पाने के लिए तो केवल और केवल प्रेम चाहिए। अब विदुर जी का नाम सुनते ही राजा ने कहा, बोले महाराज विदुर तो भगवान के परम भक्त थे, तो विदुर जी की कथा तो नेक होनी चाहिए महाराज। बोले हाँ क्यों नहीं हो। तो द्वारिका से द्वारिकाधीश हस्तिनापुर आए और शांति दूत बन करके आए। दुर्योधन ने बड़ा जाल बिछाया, दुर्योधन ने 10-20 किलोमीटर लंबी चौड़ी कारपेट बिछाई, जगह जगह वंदन वार, जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए और रास्ते में न जाने कितने खाने पीने के स्टॉल लगाए गए। माने द्वारिकाधीश को ये दिखाने का प्रयास किया गया कि पांडवों के पास क्या है, पांडव तो कंगाल हैं, निर्धन हैं, तुम हमारे पक्ष में आ जाओ, तुम हमसे जुड़ जाओ, हमारे सब संपर्क में रहो महाराज, आनंद हो जाएगा। ये पांडवों के पास क्या है, ये तो भिखारी हैं, इनके पास तो न घर है, न राज है, न कोई पाठ है, कुछ भी तो नहीं, लेकिन फिर भी तुम इन्हीं के गुण गाते फिरते। तो द्वारिकाधीश को अपने पक्ष में करने के लिए दुर्योधन ने बहुत जाल बिछाया। माने भगवान को बहुत अच्छी सुविधा व्यवस्था, बहुत धन वैभव दे करके खरीदने का प्रयास किया, भगवान को लुभाने का प्रयास किया। तो देखो एक बात कान खोल करके सुन लो कि यदि कोई भगवान के लिए 500 रुपए या 1000 रुपए या 5 लाख रुपए या 5 करोड़ रुपए भी खर्च करता है और फिर ऐसा सोचे कि मैंने भगवान के लिए किया, तो ऐसे करने से तो न करना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि भगवान को तुम्हारा रुपया पैसा, पहली बात तो तुम्हारा है ही नहीं, यदि तुम्हारा होता तो तुम इसे अपने साथ लेके जाते, या जब पैदा होते हो जब साथ में लेकर के आते, तो ये तुम्हारा तो है ही नहीं, ये तो तुम्हें भ्रम हो गया है। और सरलता से समझना चाहो तो तुम्हारे पिताजी भी कहते थे ये मेरी कोठी, ये मेरी पत्नी, ये मेरा घर, ये मेरा पैसा, ये मेरी जमीन, ये मेरी जायदाद, ये मेरी फैक्ट्री, लेकिन पिताजी चले गए, बाकी सब कुछ यही है। अब पिताजी के बाद तुम कह रहे हो कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तुम्हारे बाद फिर तुम्हारे बालक कहेंगे ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, लेकिन वास्तविकता यही है कि किसी का कुछ है नहीं, ये भ्रम हो जाता है कि हमारा। तो भगवान के लिए पहली बात तो हम कुछ करते ही नहीं, और यदि कहीं कुछ सेवा में, कहीं सत्कार्य में कुछ लगाएं तो कभी ऐसी भावना अंदर ना आए, क्योंकि ये सारा संसार और सारे संसार की वस्तु पदार्थ जो भी है संसार में वो सब भगवान का है। तो हम लोग तो भगवान के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, मुनि में उनकी इस फैक्ट्री में कहो या इंडस्ट्री में कहो काम कर रहे हैं। जिस दिन हमारा रिटायरमेंट होने का समय हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, तो भगवान का दास बन करके, लक्ष्मी का दास बन करके, पुत्र बन करके यदि उपभोग करोगे तो जीवन भर आनंद करोगे। जो मुनीम अपने मालिक का वफादार होता है और मालिक जैसे चाहता है वैसे ही करता है, तो सच मानो वो मालिक भी ऐसी दया कृपा करता है कि फिर तो मुनीम जी भी बहुत बढ़िया गाड़ी में चलते हैं, फिर मुनीम जी की भी बढ़िया कोठी होती है, और फिर मुनीम जी के पास भी सारे सुख साधन, ऐसो आराम सब होता है। क्यों?
और मुनीम जी समझने लग जाएं कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, हम ही सब कुछ हैं, तो जैसे ही सेठ जी को पता लगेगा तो एक ऐसी लात पड़ेगी कि फिर मुनीम जी कहां जाकर के गिरे, कहां जाकर के पड़े पता ही नहीं चलेगा। तो ये सारा संसार और संसार की हर वस्तु पदार्थ भगवान का है, भगवान का समझ करके भगवान के चरणों में निवेदित करे। दुर्योधन संसार के धन वैभव ऐश्वर्य से द्वारिकाधीश को लुभाना चाहता है, लेकिन संभव नहीं हो पाया। आज द्वारिकाधीश बहुत बड़े मंच पर संबोधन कर रहे हैं, लाखों करोड़ों नर नारी सामने खड़े हुए हैं। द्वारिकाधीश बरसों के बाद आए, दर्शन कर रहे हैं, उनका प्रवचन सुन रहे हैं। उसी सभा में विदुर जी महाराज दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, तो विदुर जी महाराज से द्वारिकाधीश की नजरें मिली और इशारा कर दिया, बोले महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो, चलो जाकर के तैयारी करो, हम आ रहे हैं। तो संबोधन समाप्त हो गया, सभा विश्राम हो गई। अब दुर्योधन ने निवेदन किया, बोले महाराज दोपहर का समय है, 2 बज गए, चलो हमने आपके भोग की बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। तो दुर्योधन जानता है कि ये थोड़ा सा खाने पीने का बड़ा कच्चा है, शुरू से ही बचपन से ही खूब इसने दही खाया, माखन खाया, लड्डू पेड़ा बर्फी और फल फ्रूट और न जाने क्या क्या खाया, तो खाने पीने पे ज्यादा लट्टू रहता है। तो दुर्योधन ने इतने व्यंजन बनवाए द्वारिकाधीश को लुभाने के लिए कि जब उनकी गिनती करी गई तो वो 56 प्रकार के व्यंजन, तो 56 प्रकार के व्यंजन बना करके भी दुर्योधन द्वारिकाधीश को लुभा नहीं पाया। द्वारिकाधीश से जब निवेदन किया तो साफ मना कर दिया, बोले नहीं भाई हमें भूख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भोजन 2 ही परिस्थितियों में किया जाता है, कि या तो हमें बहुत जोर से भूख लगी हो तो हम फिर ये नहीं देखेंगे कि सुनीता लाई कि अनीता लाई कि विनीता लाई कि रामवती लाई कि श्यामवती लाई, अब कोई भी लाई भोजन है बढ़िया है, खेत जाओ पहले, फिर बाद में पूछेंगे कौन लाया था भाई ये मटर पनीर और ये कढ़ाई पनीर शाही पनीर। तो या तो भूख लगी हो बहुत जोर से, तब जाकर के भोजन करने का एक अलग ही आनंद होता है, या फिर हम चाहे कितने भी नाक तक क्यों न भरे हो, यदि तुम्हारे अंदर भाव है, यदि तुम्हारे अंदर प्रेम है, अरे नहीं महाराज एक तो लेना ही पड़ेगा, महाराज थोड़ा सा एक टुकड़ा तो, एक काजू, एक बादाम, 2-4 किशमिश, अरे महाराज एक कप चाय तो ले ही लो, तो फिर लेनी पड़ेगी, चाहे हम यहां तक क्यों ना भरे पड़े हो फिर भी लेनी पड़ेगी। तो 2 परिस्थिति होती है भोजन करने की, या तो भूख लगी हो जोर से, या फिर तुम्हारे अंदर कराने वाले में प्रेम हो। यहां दोनों ही नहीं दिख रही, दुर्योधन में भाव प्रेम नाम की चीज तो है ही नहीं, छल कपट दंभ पाखंड राग द्वेष ईर्ष्या से भरा पड़ा। और द्वारिकाधीश जब द्वारिका से चले थे हस्तिनापुर के लिए, तो हमारी रुक्मणी महारानी ने खूब चकाचक आलू के और गोभी के और पनीर के खूब बढ़िया परांठे बनाए, और खूब परांठे देखना भाई ये क्या कर रहा है सर, सर ध्यान रखा करो। जय जय श्री राधे। तो देखो यहां पर दोनों ही चीज नहीं है, न प्रेम है और ना ही द्वारिकाधीश को भूख है।
तो द्वारिकाधीश ने साफ मना कर दिया, बोले नहीं दुर्योधन, हम तुम्हारे यहां भोजन नहीं करेंगे, हम तुम्हारा भोग स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर भाव नहीं है। तो दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान को क्या चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रियतात्मनः। केवल भाव हो, भगवान को एक पत्ता तोड़ के चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाते। केवल भाव हो, भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाते। केवल भाव हो, भगवान को एक फूल चढ़ा दो, एक फल चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाते। कुछ नहीं चाहिए, कोई धन दौलत, कोई रुपया पैसा, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा तो है ही नहीं, सब उनका ही है, हम उन्हें क्या देंगे। तो हम उन्हें अपने हृदय का शुद्ध पवित्र भाव दे सकते, जिसे पाकर भगवान बड़े प्रसन्न होते। तो आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारंग प्राणी, आवत देखे सारंग प्राणी, आवत देखे सारंग प्राणी, भूली न समावे हमारी विदुरानी, भूली न समावे हमारी विदुरानी, आज हरि आए विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुरानी घर पावना, हरि आए।
बहुत प्रेम से लाई, भगवान की विदुरानी कहाँ गई तेरी भावना, विदुरानी तेरी कहाँ गई भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। तो देखो
प्रेम के कारण भाव के कारण भले ही विदुर जी के पास और विदुरानी काकी के पास में संसार का कोई धन वैभव नहीं है, लेकिन फिर भी द्वारकाधीश की श्री कृष्ण की भगवान की जैसी प्राप्ति विदुर और विदुरानी काकी को हुई है, संसार में ऐसी प्राप्ति ऐसा प्रेम होना संभव कहां है। तो यदि तुम्हें भी भगवान की अनुभूति चाहिए, वो आनंद चाहिए, तो तुम भी इस धन वैभव और संसार के अहंकार को त्याग करके, कौन कहता है मेरे गोविंद का दीदार नहीं होता, कौन कहता है मेरे श्याम सुंदर सांवरिया सरकार का दीदार नहीं होता। अरे भैया होता है। श्री रमण रेती धाम के रसिक जन कहते हैं, भैया इस अहंकार रूपी मस्तिष्क को किसी संत महापुरुष के चरणों में झुका करके तो देख, फिर संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरे गोविंद का दीदार नहीं होता, जहां सांवरिया सरकार का दीदार नहीं होता। क्योंकि मेरे बांके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहां पर नहीं है, कण कण में भगवान व्याप्त है, तुम जहां चाहो उनका दर्शन हो जाएगा, लेकिन उसके आड़े ये अहंकार रूपी अविद्या रूपी पट आ जाता है, इसलिए भगवान हमें दिखाई नहीं देते, अन्यथा वो कण कण में बसे हुए हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस टाटा नगर जमशेदपुर नॉर्दर्न टाउन में ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन उत्तर प्रदेश संघ कार्यकारिणी जो समिति है उसके तत्वाधान में, उसके परिश्रम से और आप सभी भक्त जनों के तन मन धन से जो भी सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उसके माध्यम से ये आयोजन सफल हो रहा है, ये आनंद देने वाला बन रहा है, ये आयोजन हो रहा है। तो आज हमारे मध्य में श्री पारसनाथ जी मौजूद हैं, श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी मौजूद हैं, श्री रामफल मिश्रा जी मौजूद हैं, श्री राम आसेर अवस्थी जी मौजूद हैं, श्री सुशांत कुमार त्रिपाठी जी मौजूद हैं, श्री राधे श्याम जी मौजूद हैं, श्री राजेंद्र अवस्थी जी भी बैठे हुए, श्री अंजनी कुमार दुबे भी कथा सुन रहे हैं, श्रीमती उमा दीक्षित जी हमारे सामने बैठी हुई हैं। तो जिन लोगों के नाम उच्चारण किए गए हैं अभी हम आपको खूब आनंद प्रदान करेंगे, तो वो लोग आकर के श्रीमद् भागवत भगवान का आशीर्वाद लें, और आप सब लोग अभी हमारे वामन भगवान आएंगे, वामन भगवान की झांकी का भी दिव्य दर्शन होगा, और आपको और आनंद दे करके फिर आरती करेंगे। तो जिनके नाम उच्चारण किए गए हैं वो एक एक दो दो करके मंच पर आकर के श्रीमद् भागवत भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो आइए हम भी विदुर और विदुरानी जैसा प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे वो वहां जंगल में विदुर जी महाराज की कुटिया में चले गए, हमारे घर में हमारी कुटिया में भी आए, लेकिन वो आएंगे तब जब हम कहेंगे कि मेरे घर आना सांवरिया तो हे जाने न दूंगी। Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
तो कौन कौन कहेगी और कौन कौन कहेगा कि मेरे घर आना सांवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया तोहे जाने मेरे घर आना सांवरिया तोहे जाने न दूंगी। मिलाऊंगी मक्खन के साथ तुम्हें मिसरी मिलाऊंगी।
दूंगी तुम्हारी कमरिया तोहे जाने न दूंगी, बिछा के तेरे चरण दबाऊंगी, पलंग बिछा के तेरे चरण दबाऊंगी, ओढ़न को दूंगी चंदरिया तोहे जाने न दूंगी, तोहे जाने न दूंगी। Yeah.
भगवान की। तो देखो वामन भगवान की झांकी दिव्य दर्शन दे रही है, तो जो भी माता बहन भाई बंधु वामन भगवान के दर्शन करते हुए, चूंकि वामन भगवान का जब प्राकट्य हुआ या होता है तो वामन भगवान सभी से भिक्षा लेकर के उनका जीवन कृतार्थ करते हैं। सभी देवी देवताओं ने वामन भगवान के कमंडल में पात्र में अपनी अपनी क्षमता से अपनी अपनी योग्यता से कुछ न कुछ भिक्षा उनके पात्र में अवश्य डाली और फिर वामन भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो आप यदि इस अवसर का लाभ उठाना चाहें तो वामन भगवान आपके सामने बैठे हुए हैं, आप भी उठ करके आए और वामन भगवान के पात्र में अपनी मेहनत की कमाई से कुछ न कुछ भिक्षा वामन भगवान के चरणों में प्रदान करें, क्योंकि हरि वामन को भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। तो आइए इस भाव को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, आप सब झांकी का दिव्य दर्शन करें और जिन लोगों ने कर लिया है या जो कर रहे हैं वो अपने अपने यथा स्थान बैठते रहें। हरि वामन को भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन के भेष बनाए बलि छोटे छोटे पांव हाथों में कमंडल सुहाए बलि राजा के द्वारे आए।
गले माला पड़ी, ब्रह्मचारी का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। सब दे दिए बलि दर्शन किए मानो सब दे दिए, बलि चरणों में गिरती सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत भगवान की। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल कथा का चतुर्थ दिवस है। तो जैसे आज हमारे मध्य में वामन भगवान प्रकट हुए, ऐसे ही कल की कथा में नंद के लाला हमारे जीवन में कथा के माध्यम से आएंगे। नंद रानी यशोदा भी होंगी और नंद बाबा भी होंगे और नंद के लाला भी होंगे, वसुदेव देवकी जी और कन्हैया भी होंगे। तो श्री राम जी का जन्म भी कल होगा और नंद के लाला का जन्म भी कल होगा। तो आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में आनंद लूटने के लिए, चूंकि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो आनंद को लूटने के लिए बड़ी संख्या में कल आप सब लोग सुंदर सज धज करके आए और फिर बधाई लेकर के और दे करके जाएं। तो आइए अब वामन भगवान का दिव्य दर्शन करते हुए और जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं या किसी प्रकार की कोई वार्तालाप करना चाहते हैं, तो आरती के बाद
आप दो चार मिनट के लिए यहाँ आकर के निवेदन कर सकते हैं, जैसा भी आपके मन में हो। तो आइए अब हम सब लोग आगे आ जाएं और आरती करें। ज्वालामालिनी नमः हरद्रेन्द्रे नमो नमः सर्वोपचाराधि लन्दाक्षरपद्माणि समर्पयामि। ओम आराद्रिवा देवगुं राजा विदुरप्रायदामभि देवः सदांसभिदृशा आद्वेगां वर्धते तमः। वाग्मि हरि तेरी आरति गाओ, 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 आरति गाओ प्यारे आपको जाओ, आरति गाओ प्यारे आपको जाओ, वाग्मि हरि तेरी आरति गाओ, बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी बंसी लाला मेरा मन मो है, प्यारी बंसी लाला मेरा मन मो है, या बंसी पे बले आरे गाऊं, बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, किसने सारी दुनिया तारी, बाग बिहारी तेरी आरती गाओ, सो है वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखिया सारी, बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, हजार संवरिया तेरी आरती गाऊं, पूर्वे साध्या सन्धि देवा हरि।
एक दंदाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंते प्रचोदयात्। हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओं नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि।